मोहित, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहित, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या सर? नोट्स मिला? नोट्स फॉर्मूला वाला? हाँ, मिला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उसे अपडेट कर लेना, ठीक है? लिख लेना उसको कॉपी में, एक नया कॉपी ले लेना फॉर्मूला वाला, उसको अलग से लिख लेना, ठीक है? सर थोड़ा सा, सर थोड़ा सा, हम एक दो नहीं लिखे थे, बस वही नहीं दिए उसको। अच्छा कोई बात नहीं, वो कर लेगा खुद से भी, ठीक है? यस सर। चलो और उसको थोड़ा रिवाइज करते रहना, बाकी जो पीछे वाला जो एक्सरसाइज है ना वो बनाने का कोशिश करना एक बार, ठीक है? जो नहीं बनेगा उनको मैसेज करना, जिससे बन रहा है बता देंगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक तो हम लोग देखो टाइप वन का पढ़े थे कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी क्या होगा, वो जितना भी पढ़े थे वो टाइप वन था। और तीन क्वेश्चन दिए थे, कोई कोई बनाया था, कोई कोई बना के नहीं दिखाया मुझे, ठीक है? फिर से तुम लोग गलती कर रहे हो, जो जो नहीं दिखाया वो, ठीक है? तो वो देना बहुत जरूरी था, बाकी अब मैं क्या कहूँ, इतने दूर से कुछ कह भी नहीं सकता, तो इसलिए केयरलेस मत बनो। सबसे पहला चीज याद रखना कि केयरलेस ना बनो, ठीक है? जिसको अपनी जिंदगी से प्यार है, जो अपना जाना चाहते हो कहीं अच्छे जगह पे, वो मेहनत करो। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पढ़े हो ना हिंदी में एक कहावत, ठीक है? तो मेहनत किया करो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ठीक? अब देखो टाइप टू है, ठीक है? टाइप टू में क्या करना है कि टाइप टू में ये वाला फॉर्मूला जो बताए थे ना, वन प्लस कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? वैसे ही वन प्लस साइन टू ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए, तो ये यूज होगा, ठीक? और क्या होगा, वन माइनस कॉस टू ए इक्वल टू टू ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए, ठीक? अब यहाँ पे ये यूज होने वाला है, ठीक है? ये दो चीज याद रखना, बाकी तो जो बेसिक्स है वो यूज होगा ही होगा, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है टाइप टू में, ठीक है? टाइप टू ऐसे लिख लो, प्रॉब्लम ऑन टाइप टू, ठीक है? ठीक, तो देखो क्वेश्चन रहेगा, सीधा क्वेश्चन रहेगा कि इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 ये वाला लाइन लिखने के बजाय ऐसा भी लिख देगा इन ट्रायंगल ए बी सी, उसका मतलब भी यही होता है, ठीक? ठीक है, प्रूव दैट, ठीक? उस दिया हुआ इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट, ठीक है? प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू, इक्वल टू क्या करना है देखो, टू वन प्लस वन प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, प्रूव करोगे? इसे प्रूव करोगे देखो, तो हो पाएगा? देखो बोलो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू टू वन प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, देखो तो जरा प्रूव करो, तो हो पाएगा? ठीक, देखो जहां पे साइन स्क्वायर ए है वहां लिखो वन माइनस कॉस टू ए, ठीक है? जहां पे कॉस स्क्वायर ए है वहां पे लिखो वन प्लस कॉस टू ए, लिखो जरा देखो, हाँ
गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बनाओ पीपुल, ये सवाल बनाओ, ये प्रूव करना है नीचे। बने बना किसी से कि नहीं बोलो बोलो, किसी से बना? वेरी गुड, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। देखो यहां तक आया किसी का? यहां तक किसी का आया? वेरी गुड, रूपम का आया। रूपम का है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, यहां तक कौन कौन लाया हो ये बताओ। रूपम का आया सिर्फ यहां तक, जहां अभी हम किए हैं वहां तक कौन कौन लाया है? प्रियांशु का आया है, रूपम का आया है, ओके। विपुल कहाँ जा रहे हो? सी इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी नहीं लिखना है ऐसे सवाल। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, वेरी गुड, प्रूफ हो गया तो बहुत बढ़िया। साइन अगर स्क्वायर में रहेगा तो ये दो रिजल्ट जो है ये यूज करना है, ए प्लस बी प्लस सी अभी यूज नहीं करना, ठीक है? वेरी गुड। देखो ये हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ किए थे, ठीक। अगर नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, इसको प्रोसेस याद रखो कि कैसे हम लोग प्रोसेस करते थे, उसको उस प्रोसेस से प्रूफ कर देना है। और अगर याद रहता है तो डायरेक्टली इसको लिख दो। क्या क्या प्रूफ किए थे बता बता सकता है कोई? बोलो क्या प्रूफ किए थे? माइनस वन माइनस, बोलो क्या प्रूफ किए थे? माइनस वन, बोलो बोलो, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यही प्रूफ किया था ना? बोलो यही प्रूफ किए थे? कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, हाँ। क्या प्रूफ किए थे? क्या प्रूफ किए थे? कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस 2c को क्या प्रूफ किए थे पिछले क्लास में? हाँ तो वही तो लिखे हैं अभी, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ना 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 ना, एक बार चेक करो।
एक बार चेक करो काहे तुम लोग गड़बड़ा रहे हो, खुशबू और प्रियांशु काहे तुम लोग। बोलो एक बार कॉपी चेक करो, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to minus 1 minus 4 cos a cos b cos c, कॉपी चेक करो प्रियांशु। ठीक, अब इसको अगर हम लोग रख दिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग ये कंप्लीटली, ठीक है, क्या आ जाएगा देखो इधर 3/2, ठीक, माइनस तो रहने दो, ठीक है, ठीक 1/2, ठीक, हाँ इजी तो है, इजी तो बहुत है, बस फार्मूला याद रहेगा तब 1/2 माइनस 1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या इक्वल टू आ जाएगा क्या 2 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। बताओ किसी को दिक्कत इसको प्रूव करने में, किसी को दिक्कत, बोलो कल्पना मोहित बताओ। हाँ प्रियांशु बोलो क्या कहना चाहिए सर, वहां 3/2 कॉमन कैसे आया, 3/2 कहाँ कॉमन आया सर, देखो सर ऊपर में देखो इधर हाँ ये अच्छा सवाल था, ठीक, देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 यस सर, और ये 1 यस सर, ठीक यस सर, और तीनों के साथ 1/2 है यस सर, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तीन बार जोड़ेंगे 1/2 कितना हो जाएगा सर 3/2 होगा, इसलिए 3/2 लिखिए, ठीक। अब देखो माइनस 1/2 cos 2a माइनस 1/2 cos 2b माइनस 1/2 cos 2c, तो माइनस 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लिए ये, ठीक है, माइनस 1/2 कॉमन ले लिए और अंदर लिख दिए cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है यस सर, सॉल्व कर देते हैं, हाँ सर हो गया यस सर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन बनवा रहे हैं, एक्सरसाइज में हम एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोगों से कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए मोस्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, अगर पूट करके बनाया है तो बहुत अच्छा, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सरसाइज का मोस्टली क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है, हम तुम लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं बना तो फिर तुम लोग दुखी करोगे मुझे, ठीक है, ये बनना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं बताएंगे, लेकिन बनना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर नहीं बनाए हैं या फिर बना नहीं, मतलब हाँ कल बनाना भी चाहिए, ठीक है, और सैटरडे को तुम लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, जहाँ अब मतलब ये जो अभी नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसको उसका क्वेश्चन नहीं रहेगा, बाकी जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसका पूरा टेस्ट रहेगा सैटरडे को, ठीक है, और टेस्ट सबको लिखना कंपलसरी है, ठीक, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos square a plus cos square b plus cos square c equal to हो जाएगा क्या 1 minus 2 sin a sin b sin c, बनाओ जरा इसे।
इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to 1 minus 2 sin a sin b sin c. प्रूव करो जरा. सेम प्रोसेस है cos square. अब की बार वहां पे sin square a था, यहां पे cos square a है. प्रोसेस सेम है, ठीक है, ये बनना चाहिए. चलो बनाओ जल्दी से. एक मिनट, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर सी है. वेट, चेक एक बार सुधार लो. यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर सी है, माइनस कॉस स्क्वायर सी है. ध्यान दो, इधर क्वेश्चन चेंज हुआ है, माइनस कॉस स्क्वायर सी है. RHS में हाँ, कॉसी है ये. वेरी गुड, कॉसी है ये. हाँ, 1 minus 2 साइन ए साइन बी कॉसी है. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, बोलो किससे किससे नहीं हुआ, बोलो किससे किससे नहीं हुआ, किससे किससे प्रूफ नहीं हुआ. प्रियांशु से हो गया, रूपम से हो गया, खुशबू, नंदनी. नंदनी है कि नहीं, नंदनी आज नहीं है क्या? ओके, वेरी गुड. केमिस्ट्री क्लास में थी? केमिस्ट्री क्लास में थी नंदनी? ओके ओके, वेरी गुड. ओके मोहित, बनाइए सवाल, बताओ ये क्वेश्चन बना. मोहित, ये क्वेश्चन बना? प्रियांश, ओके प्रूव करो, करो 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 करो. प्रियांशु, हाँ वही तो लिख रहे हैं ना, बिल्कुल वही लिख रहे हैं. देखो ध्यान से देखो तो, 1 plus cos 2a by 2 ही तो लिख रहे हैं. बोर्ड देखो, बिल्कुल बोर्ड देखो, वही तो लिख रहे हैं. बोर्ड देखो, 1 by 2 cos 2a plus cos 2b minus cos 2c. नंदनी कल क्लास में थी? आई थिंक हमको लगता कल मैथ्स का नहीं था, कल नंदनी थी क्लास में. बताओ आज केमिस्ट्री क्लास में थी?
ओके 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 ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू रख देना, इसका वैल्यू रख देना जो पिछला क्लास में बताया था, ठीक है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी देखो, बाकी सब जो है वो एज इट इज है, तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में करवाएंगे, ठीक है? टाइप थ्री बताते हैं, ठीक है? टाइप थ्री देखो इधर। टाइप थ्री देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक? तो देखो क्या है टाइप थ्री में, क्या है? अब टेंजेंट वाला है, ठीक? जैसे कि हम लोग देखो एग्जांपल से चलते हैं, ठीक है? अगर ऐसा रहेगा, टेंजेंट और कोटेंजेंट, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रूफ पूछा रहेगा, ठीक है? तो देखो कैसे बनाते हैं, प्रोसेस देखो कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं कि लिखेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है? पहले क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है? इक्वल टू 180, ठीक? अब यहां से क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, ठीक? उसके बाद क्या करेंगे, टेंजेंट ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे, ठीक? टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? उसके बाद उसके अनुसार से उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब जो भी फार्मूला लगेगा, जैसे tan a plus b का फार्मूला लग जाएगा, cot a plus b का फार्मूला लग जाएगा, ऐसे ही लगेगा, ठीक है? अब देखते हैं एग्जांपल क्या है इसका, ठीक है? तो लिखा रहेगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक, प्रूव दैट tan a plus tan b plus tan c, ठीक, इक्वल टू tan a tan b tan c, ठीक? इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करो तो जरा देखें, tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c, प्रूफ करो तो जरा, ठीक? इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, ऊपर वाला जो लिखे हैं a plus b equal to 180 minus c, ठीक है? taking tan तो क्या हो जाएगा, tan a plus b equal to tan 180 minus सी, ठीक है? ऐसे बनाना है, ठीक? अब यहाँ पे tan a plus b का फॉर्मूला बताओ, यहाँ पे पुट करो tan a plus b का फॉर्मूला, मुझे बताओ क्या होता है, बोलो क्या होता है, भूल गए? ऐसा तो नहीं कि भूल गए? भूल गए? वेरी गुड, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, वेरी गुड, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आया किसी का आंसर? आया? बोलो। मेरा आवाज आ रहा है?
बताओ एक बार। ओके ठीक, चलो बहुत बढ़िया। देखो इधर ध्यान से सुनो, आया आंसर आया इसका? आंसर आया? आंसर किसे किसे हो गया प्रूफ? विपुल सही और प्रियांशु। मोहित हुआ प्रूफ? हुआ क्योंकि फिर से मुझे टाइप करना पड़ जाएगा। ठीक देखो हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, 10a प्लस 10b इक्वल टू माइनस। ओके करो 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 करो। यहां तक हम लोग हम लिखे थे ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? यहां तक आ गया सबका? नहीं आया? चलो ठीक है, अब देखो 10a प्लस 10b ठीक, माइनस 10c उधर है तो इधर हो जाएगा क्या 10c ठीक इक्वल टू 10a 10b 10c ठीक। हेंस प्रूफ, देखो कितना आसान है ना, है कि नहीं आसान है कि नहीं? बोलो बोलो, आसान है? चलो वेरी गुड ठीक है। फिर से है इन ट्रायंगल एबीसी ठीक, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट 10 a बाय 2 ठीक 10 b बाय 2 b by ठीक प्लस प्लस 10b by 2 10c by 2 b by 2 10c by 2 ठीक प्लस ca मतलब प्लस 10c by 2 10 a by 2 ठीक इक्वल टू इसके बराबर प्रूव करना है व्हाट 1 इसके बराबर प्रूव करना है तुमको 1 ठीक। बताओ कि प्रूव करके बताओ 10 a by 2 10 b by 2 plus 10 b by 2 10 c by 2 plus 10 c by 2 10 a by 2 इसके बराबर प्रूव करना है 1। देखो हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है ठीक, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस सी ठीक। यहां से क्या लिखो a बाई टू, टू से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है, प्लस b बाई टू ठीक इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री
90 माइनस सी बाई टू। अब यहां से टेंजेंट लो, अब लिखो टेकिंग टेन, ठीक, तो क्या हो जाएगा टेन ए बाई टू प्लस बी बाई टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बी बाई टू इक्वल टू टेन 90 माइनस सी बाई टू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां से हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, फॉर्मूला वही a प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, तो क्या हो जाएगा टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू, ठीक, डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या वन माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, ठीक, इक्वल टू टेन नाइनटी माइनस ए, क्या होता है टेन नाइनटी माइनस छठा, क्या बताए थे बताओ बताओ, मोहित बताएगा मुझे क्या होता है टेन नाइनटी माइनस छठा, क्या होता है मोहित बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा, बताओ टेन नाइनटी माइनस ए क्या होता है, बोलो मोहित बताओ क्या होता है, हाँ मोहित बोलो क्या होता है टेन नाइनटी माइनस छठा, क्या पढ़े थे मोहित बताओ, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, देखो साइन 90 माइनस ए कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट, मतलब कॉट ए होता है थीटा, हम कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये चीज हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, मुझे याद है कुछ, यस सर, याद है कुछ कि नहीं, भूल गए, याद है ना, तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना, बस हम पूछने का मतलब यही था कि थोड़ा रिवीजन करवा दें तुम्हारा, ठीक है, यस सर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक, तो देखो टेन नाइनटी माइनस थीटा हो जाएगा क्या कॉट थीटा, मतलब कॉट सी बाई टू, ठीक है, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, कॉट नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा टेन, ठीक है, कर लोगे अब यहां से, यहां के बाद से कर लोगे, मोहित बताओ बाकी सब तो कर लिए, यहां के बाद करोगे कर पाओगे, हाँ वन बाई टेन सी बाई टू लिखना है, चलो वेरी गुड, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक, और ये मुझे अभी करके दिखाना है, हमको व्हाट्सएप पर भेज देना मोहित, ठीक है, इसको करके अभी हमें भेज दो, ठीक, अब सुनो होमवर्क सुनो, ये जो एक्सरसाइज है 16 ये कंप्लीट बन जाएगा, और सैटरडे को हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज दे दें क्या टेस्ट में, बोलो 16 भी दे दें क्या, चलो ठीक है, विपुल का आया है नो सर, और केमिस्ट्री कब है, केमिस्ट्री कब है, अच्छा सैटरडे कहीं, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज नहीं देते हैं, बाकी अभी तक जितना पढ़ाया है एक्सरसाइज 16 छोड़ के बाकी सबका टेस्ट रहेगा, ठीक है, चलो अच्छा रहने दो, बिल्कुल पे थोड़ा तरस खा जाओ, छोड़ दो प्रियांश, अब वो कह रहा है नेक्स्ट टेस्ट में ले लेंगे ये चैप्टर, ठीक है,
और किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत किस टॉपिक में बोलो, बताओ, अगर नहीं है तो बोलो ना सर, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो बोलो बोलो। ओके वेरी गुड, ओके ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके ओके बहुत बढ़िया, टेंथ तो इससे आसान है, लेकिन अगर टेंथ से ज्यादा अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टेंथ में तो कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, लेकिन देखो किसी किसी को मैं टेंथ में भी पढ़ाया हूँ, लेकिन अभी जिसको मैं टेंथ में पढ़ाया हूँ ना, ये तो अब तो बहुत आगे निकल चुके हो तुम लोग। ठीक, लेकिन जहां तुम लोग साइन टू ए तक रुके हुए थे, साइन टू ए कॉस टू ए तक जिसे मैं टेंथ में पढ़ाया था, वो तो इतना अच्छा से पढ़ा था ना, उसे अगर तुम लोग अभी पूछ दोगे सवाल तो वो बता दो टेंथ में। ठीक है, क्योंकि अब वो बायो ले लिया है, मैथ्स नहीं पढ़ रहा वो। ठीक है, तो चलो ये अच्छी बात है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि सर टेंथ के बाद इलेवेंथ में, टेंथ से ज्यादा अच्छा इलेवेंथ में लग रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, बाकी और सबको बढ़िया लग रहा है, बोलो प्रियांशु रूपम। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो बस मेहनत करते जाओ, बाकी देखेंगे, मिलके लड़ेंगे और क्या, युद्ध भूमि में मिलके जाएंगे और क्या, लड़के आएंगे है ना। ठीक है, चलो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फाइट अगेंस्ट कोरोना तो बाद में है। ठीक ठीक है, कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं हम लोग है ना। चलो यहाँ भी लड़ना है हम लोग को, इलेवेंथ का ट्रिग्नोमेट्री से भी तो लड़ना है क्या। चलो